अच्छा, सेकंड टास्क हमारा है स्पीड करेक्टरिस्टिक्स यूजिंग डेल्टा कनेक्शन। इंडक्शन मोटर की हमने जो है डेल्टा कनेक्शन करना, ठीक है, और उसकी स्पीड को बेसिकली जो है वो वेरी करना है। तो प्रीवियसली हम लोगों ने लोड करेक्टरिस्टिक देखी, जिसमें हम लोड को बेसिकली वेरी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हमारी जो सप्लाई वोल्टेज थी 3 फेज सप्लाई वो फिक्स था। तो अभी हम लोगों ने जो है वो 3 फेज सप्लाई को वेरी करना है, उससे अकॉर्डिंगली जो है वो हमारी जो स्पीड है इंडक्शन मोटर की वो वेरी करेगी। सो ये सर्किट है बेसिकली, इसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। इसमें हमने सिंपल की हमारी बेसिकली 3 फेज सप्लाई है, ठीक है, इसको हम लोगों ने जो है वो डेल्टा कनेक्शन करना है। डेल्टा में हम लोग क्रॉस कनेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये 3 फेज 3 वायर कनेक्शन बेसिकली होता है, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या किया कि सप्लाई, अब उसमें न्यूट्रल हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है डेल्टा में, वो आप लोगों को पता है, आप डिटेल के साथ पढ़ चुके हो। हमने सप्लाई के सीरीज में एमीटर लगा दिया, ठीक है, और एमीटर के सीरीज में हमारे पास जो है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर के कनेक्शन का, ठीक है। तो अगर हम पीछे से सप्लाई वोल्टेज बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा कि हमारा करंट बेसिकली इंक्रीज़ करेगा, और करंट के इंक्रीज़ होने से क्या होगा, फिर स्पीड इंडक्शन मोटर की जो है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमारा जो सप्लाई वोल्टेज का रिलेशन जो है वो स्पीड के साथ डायरेक्ट होता है। जितना हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, उतने हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो सिंपल हम लोगों ने करना, इसमें हम लोग बेसिकली स्पीड को देख रहे हैं, पीछे हमारी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रही थी इंडक्शन मोटर के पीछे टास्क में। सो अभी हम लोग हार्डवेयर की तरफ चलते हैं, ठीक है, और ट्रेनर पे इस चीज़ को जाकर देखते हैं। अभी हम लोग ट्रेनर पे आ गए, ठीक है, ये ट्रेनर से हम लोगों ने पीछे से 3 फेज सप्लाई देनी है, ठीक है। तो हमने 3 फेज, जैसे कि हम लोगों ने अभी कनेक्शन में देखा, 3 फेज सप्लाई के सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, एमीटर लगाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 फेज सप्लाई है, ठीक है, तो हर फेज़ के सीरीज में हम लोगों ने क्या किया, एमीटर लगा दिया, ठीक है, जो हमें करंट बता रहा है, ठीक है। और उसके सीरीज में हमने क्या किया है कि ये डेल्टा कनेक्शन किए हैं इंडक्शन मोटर के, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है वो, अगर आप लोग देखो तो स्पीड हमारे पास कितनी आ रही है, 1440 RPM बेसिकली स्पीड आ रही है इंडक्शन मोटर की, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग पीछे से सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते हैं, वोल्टेज राइस, ठीक है, अभी हमने सप्लाई वोल्टेज बढ़ाए हैं, ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज के बढ़ने से अब आप लोग देख सकते हैं हमारा करंट बढ़ेगा, ठीक है, और करंट के इंक्रीज़ होने से क्या हुआ है कि अगर आप लोग स्पीड देखें तो इंडक्शन मोटर की स्पीड भी बढ़ गई है, ठीक है। पहले 1440 आ रही थी, 1467, तो स्पीड बेसिकली क्या है, बढ़ गई है हमारी। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है कि पीछे सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाना, ठीक है। तो इस तरह आप ड्रॉप करके भी हम लोग देख सकते हैं, अगर और ड्रॉप अगर हम लोग करें इसको, ठीक है,